नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आज सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मति नामक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही दयालु और प्रतापी था, जिसके कारण उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वो राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर वो राजा अपने आसन से उठा और उन्हें भव्य स्वागत करके उनका प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद ने इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं? राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार मैं यमलोक गया था तो देखा आपके पिता वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वो क्या संदेश है? देवर्षि कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी बोले, आपके पिता ने कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मति नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मेरे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म हैं, जिससे मुझे ये यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद से पूछा कि आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो, जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाओ। फिर इस व्रत का संकल्प लो, आज मैं पूरे दिन निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो ये थी
इंदिरा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।